मॉर्निंग एवरीवन, एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी भाई सुबह का नज़ारा बहुत सुंदर है। आज है संडे और दो दिन की छुट्टी थी, तो हमने एक बहुत सुंदर सा प्रोग्राम बनाया है। बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन अभी जो सीन है वो कुछ ऐसा है। बाकी सब तो रेडी है, तनु भी रेडी है, कोको भी अपने खाने पे लगा हुआ है। कोको रेडी हो चुके हैं आप? सुबह से तीसरी बार का खा रहा है ये, अगर आपको पता हो तो। और सोनू महाराज अभी उठे हैं, सोनू जल्दी कर रहे हैं। बस हम अभी निकलेंगे, थोड़ा सा रूट हमें लंबा पड़ेगा। चलिए जैसे जैसे बताते। और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, सुबह अच्छी खासी धुंध थी लेकिन इस वक्त काफ़ी धूप निकल चुकी है। लेकिन वही है कि अगर अभी धूप निकलेगी जल्दी तो फिर चांसेस है कि फॉग बड़ी जल्दी आएगी, और हमारा रास्ता भी काफ़ी लंबा है। तो बस रेडी हो रहे हैं, कोको का बेड भी रखना है। मैं अपने सामान तो रख चुकी हूँ, एक ये बेड रखना है। भाई कोको भी रेडी हो गया, तो आप कोको को देख सकते हैं। कोको भी स्पेक्स वगैरह लगा के देख लो, जरा हमारे कोको के शेप देख लो। कोको हाय कर दो, चले लेट है ना। ओके बाय। तो भाई टाइम क्या हो चुका है, टाइम हो रहा है 11:58 और हम है काफ़ी लेट। ठीक है भैया स्टार्ट करो। तो अभी तो बस यहाँ से पेट्रोल फुल करवा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कितनी देर तक पहुँचेंगे, क्योंकि हम आज सिविक लेके जा रहे हैं जो BS3 BS4 की वजह से दिल्ली में फिर बैन हो चुकी है। तो हमें दिल्ली में एंटर नहीं करेंगे, अब हम पलवल वाले रास्ते से एंटर करते हुए और हम दादरी होते हुए फिर गाजियाबाद की तरफ निकलेंगे। तो थोड़ा सा एक घंटे का रास्ता हमें बढ़ गया, कम आया 984 985। देखते हैं, अगर हम इस रूट से जाते हैं तो हमें सिर्फ 7 घंटे कुछ मिनट लगने थे, लेकिन थोड़ा सा हम लंबा रूट ले रहे हैं। और अचानक से मतलब 2 दिन पहले ही हमें पता चला कि दोबारा से पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। चुके हैं एक राजा जी ढाबा पे, इतना बढ़िया हाईवे मिला है। इस आई थिंक इट्स अ ईस्टर्न पेरिफेरल, और जिसमें आपको बिल्कुल भी ना तो हमें दिल्ली एंटर करना पड़ा, फरीदाबाद भी भारी भार से होते हुए, इवन आपका ग्रेटर नोएडा पार करते हुए सीधा हम मुरादाबाद वाली रोड की तरफ निकल गए हैं। यहाँ से मुरादाबाद होगा अराउंड 80-90 किलोमीटर। और ढाबा भी सही बना हुआ है, ये काफ़ी बड़ा। चलते हैं राजा जी हवेली में, है ना। बाकी पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, अच्छी खासी धूप है बाहर। आज है 24th December और बाहर अच्छा वर्क है। कोको भी रेडी हो गया बाहर निकलने के लिए। कोको चल, ओए चलने हीरो भाई। लेकिन मज़ा आ गया हाईवे पे गाड़ी ड्राइव करने में। भाई ये हाईवे अंदर इसका जो वॉशरूम वगैरह भी हैं बढ़िया बने हुए हैं, रियली बहुत अच्छा। ऐसे लग रहा था कुछ 5-star होटल की तरह बना रखा है। और आई थिंक यही एक ढाबा था जो बीच पे बढ़िया सा बना हुआ है, राजा जी ढाबा। अभी देखते हैं कुछ चाय वाय लेते हैं यहाँ पर। तूने क्या अंदर होया? हाँ भाई हम यहाँ आए हैं चाय वाले पे, बहुत बढ़िया बना रखा है इन्होंने चाय के लिए, बिल्कुल ठेठ गांव वाले स्टाइल में चीजें।
नाइस। बाकी भाई देख सकते हैं अब धूप का जो हाल है, यहाँ लग रहा है कि दिसंबर का मंथ है और न्यू ईयर ईव स्टार्ट होने वाली है, बट धूप बहुत तेज है। और पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ सामने, आई थिंक सरसों लगी हुई है उस साइड पे और बहुत बढ़िया हाईवे बना हुआ है ये। मेरे ख्याल से अगर किसी को यहाँ से ग्रेटर नोएडा वगैरह क्रॉस करना है तो वो इधर से भी आ सकते हैं, आपको नोएडा वगैरह में एंटर नहीं करना पड़ेगा। एंड इट्स अ वेरी गुड प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। भट्टी लगी हुई है और भैया ने चाय भी बड़ी अच्छी बना के दी है इन्होंने यहाँ पर, और आपको केफर खीर भी यहाँ पर मिल जाएगी। चाय अच्छी थी भैया आपकी, कह रहे बढ़िया है, अच्छी जगह है। चाय भी अगर आप ले सकते हैं एथनिक फूड के लिए तो आप ट्राई कर सकते हैं। भाई हम पहुँच चुके हैं रामपुर, ये है रामपुर और अच्छी सिटी है। यहाँ से हमने सोचा रामपुर से पेट्रोल भरवा लें, 1698 1700 कर दो राउंड फिगर भैया। बस ठीक है, ठीक है यार, मुझे तो लग रहा है एवरेज अच्छी दे रही है। नहीं क्यों, हाँ अभी तो टैंक हुआ अभी। महालक्ष्मी पेट्रोल पंप पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर है ये महालक्ष्मी पेट्रोल पंप, स्टुअर्ट बेला, बेला 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 तो वो था। सो भाई वेलकम टू उत्तराखंड, टाइम बज रहा है 7:17 और हम उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं। वैसे तो 10 किलोमीटर पहले ही कर लिया था और हमने बड़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है कि यहाँ पर आजकल टाइगर नज़र आ रहा है रोड पे। वो कह रहा था अभी पीछे जिसे शॉप पे बात कर रही थी, वो कह रहा था अभी 2 दिन पहले जो आगे वाला चौक है ना उस पे टाइगर था। तो आजकल टाइगर का जरा आतंक क्या फैला हुआ है, हमारे पास ये टाइगर है, अगर कोई परेशानी होगी तो इसको आगे कर देंगे। ये तो सबसे पहले डर के मारे भागेगा, जहाँ भागना होगा तब भी देखेगा ये कि हम साथ में है या नहीं है, ये छोड़ छाड़ के निकल लेगा हमें। तो बस हम यहाँ से पहले हल्द्वानी से थोड़ा खारा पैक करते, क्योंकि एक्चुअली में जहाँ हमने भीमताल में बुक करा रखा है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है आई थिंक, है ना, अपार्टमेंट है। हाँ ना, कुछ तो बोल लो, मैं ही बोले जा रही हूँ, ठीक है। तो वो अपार्टमेंट है या जो भी है, तो वो कह रहे हैं कि आप खाना डिनर लेके आना, क्योंकि रात को हम डिनर ही अरेंज करवा पाएंगे। तो पहले हम यहाँ से कुछ डिनर पैक करवाते हैं, हम यहाँ नहीं खाएंगे क्योंकि हमें आगे फिर ट्रैवल भी करना है। और बाकी अच्छा लग रहा है। वेलकम टू भीमताल। तो भाई हम भीमताल पहुँच चुके हैं और टाइम हो रहा है 8:57। रोड नैरो थी लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है, आसपास ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने स्टार्स जमीन पे डाल दिए हैं। तो भाई फाइनली वी रीच हियर, जो हमने लिया है इस बार वो है द पाइन ग्लेड विलास एंड व्हाट्स दिस, लेकिन हमने इस बार होटल नहीं लिया, हमने पूरा विला बुक कराया है। विले का टूर मैं आपको मॉर्निंग में दूंगी अच्छे से, लेकिन अगर आपको अभी देखना है तो आप अभी भी देख सकते हैं। कोको बहुत खुश है क्योंकि हमारे साथ कोको होता है, तो होटल में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो ये देखना पड़ता है कि पेट फ्रेंडली भी हो। इट्स अ नाइस विला, अच्छा है, पहली बार किसी का डिसीजन बहुत बढ़िया था। नहीं नहीं वैसे सारे अच्छे होते हैं, है ना, क्यों अच्छा था। तो एक रूम नीचे ये है,
यहाँ बॉनफायर के लिए है हमारे पास, लेकिन लकड़ियाँ अरेंज करनी पड़ेगी। कबर्स रूम, इट्स अ काइंड ऑफ विला, पूरा विला ही बुक कराना पड़ा हमें इसके लिए, कोको के लिए, और ऊपर भी है। वाओ गुड, इट्स अ नाइस थिंग यार, बहुत सुंदर डुप्लेक्स विला हमने बुक कराया ये। एक्चुअल में हमने ऑनलाइन बुक कराया था तो हमें भी नहीं पता था कैसा होगा, बट वी नो इट्स अ डुप्लेक्स विला। लुक एट दिस कॉर्नर, वाओ, और यहां से हल्द्वानी का व्यू, वाओ यार बढ़िया। ये पाइन ट्री, दिस एंटायर विला इज अर्स, ये पूरा विला हमारे लिए आज। अच्छा ना करो, कैफे बढ़िया ना, तो होटल के छोटे छोटे कमरों में बंद रहो, जब आप यहाँ आए हैं तो आप यहाँ का, वाह यार अमेजिंग है।